शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा में सारे पंजाबीज का वार्म वार्म वेलकम। यस, वी आर हियर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू दी मिस एकता गुलाटी खेड़ा, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी करते हुए हमें दिखाई देती हैं। इससे पहले आप सबने इन्हें देखा था कैरी ऑन जट्टा मूवी में, जो उनका एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने माही को एक डायलॉग डिलीवर किया था कि तेरा हाले तक सास ते निनान लाल पाला नहीं पिया, एक दिन उन्होंने कट के वेख। जी हाँ, होपफुली आप सबको याद आ गया होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। सत श्रीकाल जी, थैंक यू सो मच। मैम क्या बताइए, मूवीज लाइन में आपने कब अपनी जर्नी स्टार्ट की? लाइक फर्स्ट टाइम, अगर सीरियसली दसा तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कैरी ऑन जट्टा वन तो। लाइक वो तो इट वॉज़ लाइक कि मैं खुद भी नहीं पता कि मैनू वो वर्क मिले है ना, लाइक कर लिता। उस तो बाद मेरा गैप आ गया बिकॉज यू नो फैमिली प्लानिंग एंड ऑल सब कुछ से, तो 5 साल का गैप आया। उस तो बाद नाउ अगेन आई एम बैक विद, इस तो पहले मैं मैरिज पैलेस की है जी, मैरिज पैलेस के मेरा बड़ा अच्छा किरदार रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर मिंदो तहसीलदारनी, सो प्लीज़ सारे देखने जाए मिंदो तहसीलदारनी। बहुत 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 सोहनी पिक्चर बनी है जी, बिकॉज इस फिल्म के एक बहुत ही अच्छा कॉम्बीनेशन है। इट्स नॉट जस्ट अ कॉमेडी पिक्चर, इस फिल्म के फैमिली इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, फैमिली ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, इट्स वेरी गुड कॉम्बीनेशन। सो प्लीज़ सारे जरूर देखने जाए, बिकॉज इस फिल्म के जोड़े जोड़े करैक्टर्स ने ना, उन्हों का भावें छोटा रोल है भावें व्डा रोल है, ये सारे करैक्टर्स जो ऑडियंस थिएटर्स के फिल्म देख के निकलेगी, सारा ने वो करैक्टर्स उन्होंने माइंड रहेंगे, सारा ने याद रहेंगे। बिकॉज इस इदा का कुछ नहीं है थोड़ा जहा करैक्टर है नहीं दिमाग से नहीं भूल जाना ऑडियंस ने, नो नॉट लाइक दैट। जड़ा जड़ा जिंदा जिंदा जिन्ना करैक्टर है ना सारी याद रखेंगे, मेरी गारंटी है फिल्म बहुत सोनी बनी। इट्स फुल कॉमेडी मूवी, तो आपने इस मूवी में कितना आप हंसाने वाले हैं व्यूवर्स? जी मैं बहुत बहुत पूरी पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें हंसावा, बिकॉज मेरा जरा प्रोमो डायलॉग आया से वो बहुत फेम हो चुका है, हम लोगों ने बहुत प्यार दिता है, वो 2500 क्रॉस कर चुके हैं टिकटॉक वीडियोज़ के, तो मैं पूरी कोशिश की है। तो इस फिल्म का डायलॉग मैं तुम्हें दसना चाहनी कि करमजीत भाजी होनी सारे राजवीर जवंदर जी और लक्की टालीवाल जी होंगे, तो उन्होंने मैं जाके कहनी है कि लौंदा वाली ता दी ना 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 लौंद नहीं दी लौंद तो लातियाँ वाली ता। तो एक होर चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी, मैं इतने नहीं दसूँगी, तुम सिनेमा घर जाके देखियो कि लौंद तो लातियाँ वाली ता दे नाल मैं कुछ की डिफरेंट जहाँ किया। यू नो मूवीज़ में आप इतना हंसा रहे हैं, तो अपने फैमिली में भी आप क्या यही एटमोसफेयर रहता है हंसने हंसाने वाला, खूब मस्ती वाला? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिदा मैं पिक्चर्स के रियलिटी भी मैं उदा ही शायद ज़्यादा ही नॉटी है, इतने आके थोड़ा जहा हो जाता नहीं, थोड़ी जी लिमिट थोड़ा अच्छा लगता है नहीं लगता, बट यू नो फैमिली आई एम द नॉटीएस्ट पर्सन इन माई फैमिली, इन बोथ फैमिलीज मैं बहुत नॉटी हूँ, बच्चों तो भी ज़्यादा नॉटी हूँ। एट लास्ट वी वॉन्ट दैट आपकी मूवी आने वाली है, रिलीज होने वाली है 28 को, तो एक अपीलिंग मैसेज, एक ब्यूटीफुल सा मैसेज, थोड़ा कॉमेडी वे में आप व्यूवर्स को कैसे देना चाहेंगे कि वो लोग जाएं और थिएटर्स में और इस मूवी को ज़रूर देखें? बिल्कुल, अगर कॉमेडी वे कह रहे हो तो फिर मैं अपने डायलॉग के स्टाइल से है ना, जो मेरा